वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज आपके भाई का 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है। और हालांकि वॉच टाइम अभी भी बाकी है बहुत, तो अगर आप लोग ऐसी सपोर्ट करते रहे तो वो भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बस आप लोगों से इतना ही गुजारिश है कि आप लोग ऐसी सपोर्ट करते रहे अपने भाई को, ताकि मैं आपको और भी एंटरटेन कर सकूँ। पता नहीं मैं आपको पूरा एंटरटेन कर पा रहा हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जितना भी कर रहा हूँ मेरा पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आगे और भी कोशिश करूँगा आपके लिए, तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ठीक है। और तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बार फिर से शुक्रिया। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आप सबको पता है ऑयर ने आज सुबह पोस्ट कर दी, ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी जो सॉन्ग आने वाला है, लेके प्रभु का नाम, ठीक है। वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। वीडियो के बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो का एक फैक्ट मैं बताने वाला हूँ एंड में, ठीक है। तो फाइनली भाई और अरिजीत सिंह का कॉम्बो आ चुका है, जो कि इंडिया का जितना भी लोग है, चाहे वो भाई के फैंस हो भाई के हेटर्स हो, सब लोगों का वेट था कि अरिजीत सिंह सलमान भाई के लिए एक गाना गाए, ठीक है। तो फाइनली वो सपना सच होता दिख रहा है। 23 अक्टूबर को वो सॉन्ग आने वाला है, पार्टी सॉन्ग आने वाला है। और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अरिजीत सिंह ने जो माफ़ी मांगा, जो लेटर लिखा था भाई को, ठीक है, वो लेटर आपकी स्क्रीन के पूरा आप पढ़ सकते हो। तो भाई खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और जो लोग बोल रहे थे कि भाई ने अरिजीत सिंह का करियर खराब कर दिया, तो भाई आज तक मुझे ऐसा समझ में नहीं आया कि करियर लोगों का खराब कैसे करते हैं, कैसे। अरिजीत सिंह का करियर किस एंगल से भाई ने खराब कर दिया था? वो तो गाना गा रहा था, भाई के लिए नहीं गा रहा था। मतलब वो जो सॉन्ग था सुल्तान का, ठीक है, जग घूमिया, तो वो सॉन्ग अरिजीत सिंह को सिंह से लेके राहत फतेह अली खान साहब को दे दिया, तो मतलब करियर खत्म। क्या लॉजिक है यार तुम लोगों का? इसीलिए तुम लोग हेटर्स बने हो, तुम्हारा दिमाग नहीं है इसीलिए तुम लोग हेटर्स हो। अगर दिमाग होते ना तो तुम लोग दीवाने होते। तो भाई छोड़ो उन सबको, कोई बोल रहा था कि विवेक की करियर खराब कर दी, भाई करियर इसको खराब नहीं बोलते उनका। भाई एक बात समझ लो, भाई के साथ जिसका लफड़ा हो जाता है, भाई उसके तरफ देखता भी नहीं, उसके पास भी खड़े रहना पसंद नहीं करता। वो क्या कर रहा है, भाई को उतना टाइम नहीं है कि खुद का करियर में काम, खुद खुद ही बिजी रहते हैं तो दूसरे का करियर खराब कैसे करेगा। ये तो भाई का रुतबा है। देखो हर मोहल्ले में किसी ना एक आदमी का, एक ना एक आदमी का रुतबा होता है। अगर मोहल्ले के किसी बंदे ने उस आदमी से कुछ पंगा ले लिया, तो बाकी मोहल्ले वाले भी उस आदमी से दूर रहते हैं। तो ये भाई का रुतबा है। भाई बॉलीवुड में अगर किसी ने भाई से पंगा ले लिया, ठीक है, तो बाकी पूरा इंडस्ट्री वाले, मतलब 70-90% इंडस्ट्री वाले उस बंदे से दूर रहते हैं, समझ लो ना बात। और जिसने भी भाई से पंगा लिया ना, वो जो अभी तो बहुत ही मतलब सिंपैथी दिखा रहे हैं, वो जो पहले भाई को क्या बोल के गए थे, वो वीडियो भी देख लेना। जो जुबैर खान अभी बहुत रो रहा है, सिंपैथी दिखा रहा है, मेरा कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा, क्या बोल रहा था, बिग बॉस से बाहर आके बोल रहा था कि मैं सलमान खान को कुत्ता बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। भाई किसी को भी नहीं बोलता है लेकिन करता नहीं, होता है, अपने आप हो जाता है, भाई का रुतबा है, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो भाई अरिजीत सिंह का भाई से कोई लफड़ा नहीं था। हाँ स्टेज में जो अरिजीत सिंह ने बोला था, इतना बड़े स्टार को आप अगर आके ऐसे बोलोगे तो भाई किसी का भी दिल हर्ट हो सकते हैं, कोई भी बंदा, ठीक है, ईगो पे लग सकते हैं। सलमान खान तो भाई मतलब 90% बॉलीवुड का अकेला बंदा है, तो उसको उसके ईगो पे हर्ट नहीं होगा, तो कैसे बात कर रहे हो भाई। लेकिन उसका करियर में गाने का कमी था, वो तो हर एक्टर के साथ काम कर रहा था, ठीक है, तो करियर कैसे खराब कर दी। तुम हेटर्स इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम्हारा दिमाग होता तो तुम हेटर्स नहीं होते, दीवाने होते, समझ रहे हो बात। तो भाई जो फैक्ट के वाट मैंने बोला था वो ये है कि मैंने 2 दिन पहले या कल मैंने इस कैटेगरी के जितने भी चैनल है सब लोगों का वीडियो देख रहा था, तो सभी लोग पोस्ट किए थे कि जो फर्स्ट सॉन्ग आने वाला है टाइगर 3 का, वो होने वाला है दुआई दुआ सॉन्ग। लेकिन इसके पीछे उन लोगों का रीजन ये है कि वो लोग बोल रहे हैं कि ट्रेलर में जो सॉन्ग का क्लिप दिखाया गया है वो है दुआई दुआ सॉन्ग का क्लिप। बिल्कुल परफेक्ट बात है, वो जो क्लिप था वो दुआई दुआ सॉन्ग का क्लिप था, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेलर में वो क्लिप दिखाया गया तो पहला सॉन्ग ये आएगा। मैंने इसीलिए उस टॉपिक पे मैंने कल वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे एकदम पता था कि ये सॉन्ग नहीं आने वाला। जो सॉन्ग मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो में बोल दिया था कि ट्रेलर ऑन आ गया है और ट्रेलर ऑन ही रहेगा, यही मेन ट्रेलर है और कोई ट्रेलर नहीं आएगा। अभी जो आने वाला है वो सॉन्ग है, और जो पहला सॉन्ग आने वाला है वो है लेके प्रभु का नाम, ठीक है, तो दूसरा कोई सॉन्ग नहीं आने वाला, अब बात समझ लो, ठीक है। तो भाई वो जो सॉन्ग
आने वाला है, मैंने तो बता दी होता है, मैं छोटा यूट्यूबर होता हूँ, लेकिन जो मेरा व्यूअर्स मुझे देखते हैं भाई, परफेक्ट न्यूज़ पाने के लिए ही देखते हैं। अब मैं ऐसे ऐसे व्यूअर्स के चक्कर में कुछ भी बातें बना के पोस्ट कर दूँ, ऐसा नहीं होगा भाई मेरे से। तो इसीलिए मैं पूरा श्योर था 101% कि जो सॉन्ग आने वाला है लेके प्रभु का नाम, ये सॉन्ग पहले आने वाला है, ठीक है। और वो पार्टी सॉन्ग होने वाला है, और अरिजीत सिंह गाएगा, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो और आप लोग देखते हैं, मतलब मैं क्या बक रहा हूँ भाई, तो ये जो सॉन्ग मैंने 40 मिनट का, 40 सेकंड का एक क्लिप है मेरे पास, टीजर टाइगर टीवी का, जो टाइगर का जो मैसेज था उससे पहले आ गया था मेरे पास। तो सॉन्ग मतलब आप जब सुनोगे ना, तो आपके मतलब बॉडी अपने आप, बॉडी पार्ट्स अपने आप हिलेंगे भाई, या डांस करो। स्वागत से, स्वागत से भी धमाल धमाका होने वाला है इस सॉन्ग में, आप देख लो जब आएगा, मैं इस सॉन्ग का भी रिव्यू करूँगा, ठीक है। तो भाई बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग होने वाला है, पार्टी सॉन्ग पूरा, मतलब चैट बस्टर ऑफ द ईयर होने वाला है, समझ लो। तो भाई सॉन्ग जब आएगा उस दिन बात करेंगे, फिलहाल तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपके भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर मैं अगर मैंने एक पोस्ट किया था, भाई के जितने भी हेटर्स है मुझे मेंशन करो उसका नाम, कौन कौन हेटर्स है, ठीक है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। जो जो भाई को बोला है आज तक, जो जो उल्टा उल्टा बोला है भाई के नाम पे, नेगेटिविटी किया है, मैं सबको एक एक करके पेलूंगा, ठीक है। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, हर एक का हिसाब लिया जाएगा, ठीक है। तो भाई वेट करो, दिन ब दिन वो वाला रोस्टिंग वाला वीडियो भी आता रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स में भर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय सलमान भाई।